का 13 अध्याय 16 से 19 तक हम लोग पढ़ते हैं। उसने उसे कहा, मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहाँ न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उसे झूठ कहा, अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। आमीन। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। हम बैठ सकते हैं। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। क्या आप सब आज शाम आनंदित है? आमीन। आपकी भूख बड़ी है कि नहीं? अच्छा, बच्चा बढ़ता है तो भूख भी बढ़ता है। अरे तो हम लोग 10 साल पहले 1 घंटा का संदेश सुनते थे, तो अभी कम से कम हमारा कैपेसिटी, अगर भूख बढ़ गई होगी तो हम लोग 1.5-2 घंटे का संदेश सुनने लायक होना चाहिए नहीं? लेकिन अगर अभी भी हम सोचते हैं कि नहीं, घंटा एक ही का हो, तो फिर हमारी भूख बड़ी नहीं है। हमने गए हफ्ते शॉल के और डेविड के विषय में संदेश को देखा था कि एक अभिषेक जो आखिरी दिनों के अंदर उतर के आ रही है, और हमने देखा कि शॉल अपने जीवन के अंदर ऐसा क्यों करता रहा, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा अभिषिक्त किया हुआ एक राजा था, और डेविड प्रभु के द्वारा अभिषेक किया हुआ एक राजा था। इसीलिए शॉल जो है दुनिया की बातों में फंस गया, और डेविड जो है प्रभु की मर्जी में चलता रहा, प्रभु की मर्जी को पूरा किया। उसके बाद हमने एक दूसरा विषय देखा था, वो आज हम लोग देखने वाले थे, बालाक और द स्टोरी ऑफ बालाक एंड बालाम। ये नबी हमें बता रहा है संदेश के अंदर, The anointed one in the last days, अंतिम समय में जो अभिषिक्त लोग हैं, कैसे फॉल्स anointing लोगों पे उतर के आती है। एक और नबी ने उदाहरण दिया, और वो है मिकाया और ज़िदकिया, इन दोनों के जीवन को। सो आज हम लोग मिकाया और ज़िदकिया को देखेंगे। माफ करना, मिकाया ज़िदकिया, हम लोग जो है बालाम और बालाक का मैं लेने जा रहा था। मिका और ज़िदकिया की जीवन के विषय में कुछ बातें हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद द अनॉइंटेड वन इन द लास्ट डेज, मैंने माफ करना, द टेल ऑफ टू प्रॉफिट्स, मिकाया और उसके बारे में मैं प्रचार करने वाला था, लेकिन आज सवेरे मैंने अंबरनाथ में वो प्रचार करा, और अभी अंबरनाथ से हमारे साथ में 2-3 ब्रदर लोग आए हैं यहाँ, तो उनके लिए मैसेज वापस रिपीट हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि गाड़ी में बैठे बैठे मैं प्रभु बोला एक नया संदेश इसी एनाइंटी के विषय में तो देना, जिसको मैंने कहा था कि 3-4 सीरीज के ऊपर प्रचार करूंगा। तो बहुत कम समय में मैं गाड़ी में आते आते, इससे पहले कि मेरी लैपटॉप की चार्जिंग उतर जाए, मैंने बोला प्रभु मुझे जल्दी से जल्दी इस विचार को देने, और प्रभु ने ये विचार मेरे को दिया जो इसराइल में 2 नबियों के बारे में ये भविष्यवाणी हो रही है। अब ये दोनों नबियों को हम लोग देखेंगे कैसे अलग 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 प्रकार के अभिषेक से ये लोग चल रहे हैं।
ये 900 साल मसीह के पहले की बात है, जब इज़राइल दो भाग में बट चुकी थी, जबकि प्रभु ने इज़राइल को एक राष्ट्र करके बुलाया था, लेकिन इज़राइल दो भागों में बट चुकी, एक है इज़राइल, दूसरा है यहूदा। और ये सुलेमान के बाद ये राजा राज्य बट गई, दो गोत्र एक बाजू हो गए, 10 गोत्र एक बाजू हो गए। ये इसलिए हुआ कि सुलेमान के समय फारो की बेटी से सुलेमान ने शादी करी, और फारो के घराने के सारे मूरत की उपासना, सारे देवी देवताओं को जेजेबेल ने इज़राइल में लेकर आए। उस समय इज़राइल के कुछ गोत्र ने जो सुलेमान का विरोध किया, और तब परमेश्वर ने सुलेमान को कहता है कि मैं तेरे राज्य को दो भाग कर दूंगा, और तेरे ही घर का एक नौकर को मैं एक राज्य दूंगा, क्योंकि मैंने डेविड के साथ वायदा किया है तो मैं तेरे जीते जी तो नहीं करूंगा, लेकिन तेरे मरने के बाद मैं ये राज्य को दो भाग करूंगा। और एक जूड़ा बन गया जो बेंजामिन और जूड़ा, दो राज्य लाल पट्टे में, जिसका राजा था रहबाम, और अहाब राजा जो है वो इसराइल का एक भाग में, और ये दोनों मिलकर युद्ध के लिए जा रहे हैं। उस समय कुछ पूछपाछ कर रहे हैं, और दो प्रकार की भविष्यवाणियां आ रही है। एक कहते हैं राजा से कि जा तू, प्रभु तेरे साथ है, और ये 400 लोग बोल रहे हैं, और एक आदमी अकेला है मीका, जो कहता है राजा तो जाएगा मरेगा, प्रभु मुझे बता रहा है। दोनों भी एनाइंटेड हैं, दोनों भी प्रॉफिट लोग हैं, दोनों भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन दोनों की भविष्यवाणी में अंतर है। एक जाने को कह रहा है, एक कह रहा है तो जाएगा तो मर जाएगा। उस समय ज़िदकिय्याह आकर मीकाया को एक थप्पड़ मारता है, कहता है कि मेरे अंदर से आत्मा तेरे अंदर कब आई? यानी वो कह रहा है कि मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा है, और वाक्य में उसमें भी पवित्र आत्मा थी, क्योंकि बाइबल कहती है आसमान से आत्मा आई उसमें और 400 के अंदर समा गई, और वे लोग भविष्यवाणी करके ये लड़ाई के लिए प्रोत्साहन कर रहे। तो बाइबल कहती है कि इज़राइल जो है वो अहाब राजा के द्वारा बहुत बिगड़ी हुई दशा थी। जब राजाओं का समय शुरुआत होता है तो लोग अपनी मनमानी से राज्य को चला रहे हैं। बाइबल में आपको मालूम है, पहले पहले उत्पत्ति की जो किताब है, विश्वास से निकाल कर आए, जो तीन भागों में हम लोग जानते हैं उसको, कंसाइंस एज। उसके बाद दूसरा युग जो बाइबल में शुरू हुआ वो था लॉ एज, व्यवस्था का युग, और ये लॉ जो है मोसेस से प्राप्त हुई, और ये आदम से लेकर नोहा तक कंसाइंस एज चली। उसके बाद लॉ एज चली, और यीशु मसीह जब क्रूस पर आकर बलिदान हुआ तो लॉ खत्म होती है और ग्रेस एज शुरू होती है। ग्रेस एज यानी अनुग्रह का युग, और ये ग्रेस एज को प्रभु ने कैसे बांटा है? कंसाइंस एज को भी प्रभु ने 2000 साल दिया, लॉ एज को भी प्रभु ने 2000 साल दिया, और ग्रेस एज को भी प्रभु ने 2000 साल दिया। मतलब लगभग हम लोग जो है ग्रेस एज को पार करने पर है, 2018 में हम लोग है। तो इस तीन युगों में खुदावन ने अलग अलग तरीके से लोगों के साथ बातचीत करी। एक ऐसा समय था जब खुदा नबियों के द्वारा बात करते आया, प्रॉफिट्स लोग के द्वारा बात करते आया। प्रॉफिट्स लोग खत्म होने के बाद किंग्स शुरू होती हैं, राजा लोग। इसके पहले जोशुआ के बाद जजेस लोग आते हैं, उस टाइम पे न्यायी लोग हैं, जो बाइबल के अंदर ना तो राजा थे ना प्रॉफिट था, जजेस लोग जैसे सैमसन जैसा आदमी आकर लोगों के ऊपर राज्य कर रहे थे। फिर प्रभु ने नबियों का समय को दिया, जो माइनर प्रॉफिट्स थे, वो है इज़ाया के बाद के जितने प्रॉफिट्स हैं मलाकी तक, वो माइनर प्रॉफिट्स लोग हैं। मोसेस मेजर प्रॉफिट में आता है। उसके बाद में गॉस्पल स्टार्ट होती है, सुसमाचार, और गॉस्पल में प्रभु ने डिसाइपल्स लोगों के द्वारा
अपना कार्य को पूरा किया। तो ये अलग अलग युग में अलग अलग तरीके से बाइबल आपके लिए और मेरे लिए बांट दिया गया है। तो अभी ये पॉल्स एनॉइंटिंग का जो टाइम है, ये राजाओं का समय था। राजा लोग आसपास के देश को देखकर उनके साथ में प्रभावित होते थे और वो उनके मुताबिक चलते थे। ये ऐसा एक समय था, बड़ा धोखादायक समय था। नबी आकर कुछ कहता, राजा कुछ कहता, प्रभु की ताड़ना उतर के आती थी। ऐसे एक एक राजा लोगों को हम इसराइल में पाते हैं, जिन लोगों ने प्रभु के वचन को तोड़कर बाहर जाकर अन्य जातियों से ब्याह करके मूर्ति पूजा के अंदर इसराइल को लेकर चले गए। ये वो समय है जब दो राजा राज्य बट गए। सॉल जो इसराइल का पहला राजा था, उसके बाद डेविड को प्रभु ने चुना, डेविड के बाद प्रभु ने सुलेमान को चुना। अब तक एक राज्य थी, पर सुलेमान के बाद रेहोबोम और जेरोबोम, ये दो अलग होकर जूडा और इसराइल, ये दो अलग राज्य हो गए। एक दो गोत्र को लेके गया और एक 10 गोत्रों को बनाए रखा। अभी ये दोनों गोत्र में ऐसा होने लगी कि इसराइल का राजा जो है वो अपना युक्तियों को चलाने शुरू कर दिया, अपने तौर तरीके को समाज शुरू कर दी, परमेश्वर के वचन को एक बाजू रखा और वो मूरत की उपासना करने के लिए वेदी बनाई और वो बछड़े को रखकर उसकी उपासना करना शुरू कर दिए। ये गलती हो रही है, सुलेमान की पत्नी के द्वारा ये सारे इसराइल के अंदर चले आ गए। सुलेमान अपने मरने के दिनों में सभी ऊंचे गढ़ों वाले शहरों में मूर्ति पूजा का सभी बाल देवताओं को लेकर आकर वो इसराइल के अंदर गढ़ बनाया, उनके औरतों ने उसको फरमा दिया। सुलेमान अपने ज्ञान की किताब में लिखता है कि मैंने मृत्यु से भी एक भयानक वस्तु जो पाई है वो स्त्री है जिसका मन फंदा है, मृत्यु से भी भयानक वस्तु। फिर वो कहता है मैंने 1000 पुरुषों में से एक पाया लेकिन स्त्री एक भी नहीं पाया। फिर वो कहता है कि वो स्त्री, प्रोवर्ब्स में आएगा अब 7 चैप्टर और 9 चैप्टर में, तो यहां दो स्त्री के बारे में वो बात कर रहा है। एक स्त्री के बारे में बोलता है 7वां अध्याय में, वो अपने खिड़की खोलकर देख रही थी, एक जवान रास्ते पर घूमते आया, उसको अपने फंदे में फंसा लिया, उसको घर ले गया और कहा कि मेरा पति दूर देश गया है, उसको आने में काफी देर है, और उसने बिस्तर में दालचीनी छिड़क कर उस जवान के साथ वो कुकर्म कर रही है। यह है 7वां अध्याय का स्त्री। ये उस डिनोमिनेशन को दर्शा रहा है जो अपनी खिड़की से जवानों को देखकर भुला कर ले आकर मेरा पति दूर गया है, मेरा पति को ने प्रभु यीशु मसीह, उसके आने में देर है और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये व्यभिचार का बिछौना है। फिर 9वां अध्याय में नीति वचन में एक और औरत आती है। ये औरत कहती है कि इसने अपने खंभे को गाड़ी है, ये विजडम से अपना घर को बनाती है, और ये औरत ने मेज को सजाई है, मेज को सजाई है, टेबल सजाया है, और उसमें मसाले वाला दाखरस रखा है, और वो कहते हैं कि आ इसमें से तो पी। अब ये जो औरत है जिसने मेज को सजाई है, ये प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। मेज में क्या है? भोजन है। भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन है। 7वां अध्याय की औरत ने बिस्तर सजाई है, वो व्यभिचार को दर्शाता है, और 9वां अध्याय की औरत ने टेबल बनाई है, उसमें खाना रखा है, ये दुल्हन को सजाता है। आप क्या खा रहे हैं आज? परमेश्वर का वचन खा रहे हैं। आप किधर बैठे हैं? प्रभु के साथ मेज पर बैठे हुए हैं। डिनोमिनेशन किधर है? वो बिस्तर पर है, क्योंकि बाइबल कहता है भेद बड़ा बाबुल अर्थात वेश्याओं की माता। तो ये वेश्या बिस्तर को तैयार किया, लेकिन ये स्त्री जो 9वां अध्याय में उसने विजडम को बनाया है। तो सुलेमान कलीसिया को और प्रभु के जीवन के बारे में बातचीत कर रहा है। वो कहता है कि कुछ बातें हैं जो मनुष्य के हित में नहीं। वो एक है आकाश में उड़ने वाले उल्का पक्षी का मार्ग कोई नहीं जानता, दूसरा वो कहता है समंदर में चलने वाला जहाज का मार्ग कोई नहीं जानता, तीसरा वो कहता है चट्टान पर चलने वाला सर्प का छाल इसको भी कोई नहीं पहचानता, चौथी बात वो कहता है स्त्री के साथ पुरुष की चाल। आई बात समझ आपकी? पहला वो कहता है कि आकाश में उल्का पक्षी उड़ता है, उसका मार्ग को आपको मालूम नहीं, वो कैसे उड़ के जाता है, कहां आता है, उसका मार्ग आपको याद नहीं होगा। दूसरा पहाड़ी पर जहाज चलता है, वो चले जाता
जाती है, पानी वापस शांत हो जाता है, उसका भी चाल आपको समझ में नहीं आता है कि यहां से जहाज गया था या नहीं था। तीसरा, सर्प अगर मिट्टी में चले तो निशानी छोड़ेगी, लेकिन चट्टान पर चले तो कोई निशानी नहीं छोड़ती। और चौथा वो कहता है कि एक पुरुष की जो चाल चलन होती है, यह भी कोई निशानी नहीं छोड़ते, किसको समझ में नहीं आता। बात समझ में आ रही है? उसने कहां लाके रख दिया इसको? वो तीन कठिन प्रश्नों के साथ ये चौथा कठिन प्रश्न लाके रख दिया। ये कोई नहीं समझ पाता, ये कोई नहीं समझ पाएगा। सो सुलेमान एक व्यक्तित्व जीवन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया हुआ आदमी, लेकिन बाद में हम देखते हैं वो खुद ही अपनी जाल में फंस गया। उसकी इतनी बुरी हालत हो गई, जिसके साथ खुदा ने दो मर्तबा आकर बात किया, बोला मांग तुझे क्या चाहिए। ऐसा भी आदमी गिर सकता है, तो आप और हमने बहुत संभालना जरूरी है। जिसने खुदा को दर्शन में देखा, जिसने खुदा को बोला कि मुझे ज्ञान दे, और उसने ज्ञान से आपके बाइबल में किताबें लिखी, वो भी आदमी जो है शैतान उसको भरमा दिया उसके अंत के दिनों में। सो ये राजा ने क्या किया, इसराइलियों को मूरत की उपासना के अंदर चला दिया। समय बीतती चली गई। वन श्राइन वॉज एस्टैब्लिश्ड एट दान इन अ पार नॉर्थ किंगडम एंड अदर वॉज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट बेथेल ऑन द बॉर्डर ऑफ सदर्न किंगडम। पीपल इन द नॉर्दर्न किंगडम ट्रेवलिंग सदर्न टू वर्शिप एट द टेम्पल इन जेरूसलम would probably possibly be tempted to stop off at Bethel and try out new form of worship. So Jeroboam ने एक नया तरीका अपनाया इसको देखने के लिए। इसराइली लोग जाते थे और यह है बेथेल में। बेथेल का मतलब है हाउस ऑफ गॉड, प्रभु का घर। लेकिन अब प्रभु के घर में क्या हो रहा है, अन्य जाति की उपासना शुरू हो चुकी है। इसराइली लोग जाते थे कि यह नया राजा ने क्या यह चीज को अपनाया। इसने याजकों को बाजू कर दिया, जो खुदा के अभिषिक्त लोग थे, लेवी घराने से बाजू कर दिया, और ये अपने मन से लोगों को याजक करके खुदा के उसके बछड़े की उपासना करने के लिए। पहला राजा 12वां अध्याय में आप ये स्टोरी पढ़ सकते हैं। अभी आप 14 अध्याय 16 वचन के अंदर बाइबल कहता है जेरुबाम के बारे में, ही शैल गिव इज़राइल अप बिकॉज ऑफ द सिंस ऑफ जेरुबाम हु डिड सिन And who made Israel to sin? जिसने खुद पाप किया और इज़राइल को पाप करने के लिए मजबूर करने वाला एक राजा था जेरुबाम। वो खुद भी, देखो, खुद पाप करना और दूसरे को पाप में गिराना ये दो अलग चीज है। अगर खुद पाप करे और दूसरे को ना गिराए तो वो दंड आप अपने तक रखते हैं, लेकिन आपके वजह से कोई और ठोकर खाता है तो उसका भी दंड आपके ऊपर आता है। उसने खुद भी पाप किया और दूसरे को भी उसने पाप में डाल दिया। ऐसे समय के अंदर बाइबल कहता है कि वो बछड़े की आराधना कर रहा था, एंट्रीट नाउ द फेस ऑफ द लॉर्ड दाय गॉड प्रे फॉर मी। एक जवान नबी प्रभु ने उसको भेजा। अब यहां पर ये नबी का नाम नहीं है, लेकिन यंग प्रॉफिट करके उसको बोल दिया गया है। और ये फर्स्ट किंग 13 चैप्टर उसका पहला वचन से आप पढ़ सकते हैं। और प्रभु का एक नबी बेथेल को आया और राजा उपासना करने के लिए खड़ा होने के टाइम उसके पास आकर बोला, राजा रुक जा, परमेश्वर तुझसे कुछ कहता है आज। और उसने एक भविष्यवाणी करी और भविष्यवाणी उसने ये करी कि कुछ समय के बाद खुदावन इस राज्य से एक राजा को उठाएगा जिसका नाम जोशिया होगा, और चाइल्ड शैल बी बोर्न अन टू द हाउस ऑफ डेविड जोशिया बाय नेम एंड अपॉन दी शैल ही ऑफर द प्रीस्ट ऑफ हाई प्लेसेस दैट बर्न इंसेंस अपॉन दी एंड मेंस बोन शैल बी बर्नड अपॉन दी। प्रभु इस दाऊद के घराने से एक ऐसा राजा को उठाएगा जिसका नाम जोशिया होगा। वो तुम लोगों का जो मूरत की उपासना कर रहे हैं, तुम लोगों के हड्डी को लेकर वो वेदी में जलाएगा। ऐसा उसने एक प्रोफेसी कर दिया और प्रोफेसी के साथ साथ उसने बोला कि अगर मेरी प्रोफेसी की सबूत चाहिए तो जो वेदी तूने बनाया ये दो टुकड़े हो जाएंगे अभी। और जैसा उसने ये बोला तो राजा बड़ा भड़क उठा, उसने वेदी की तरफ में हाथ बढ़ाया, बोला कि नहीं, मैं तेरे भविष्यवाणी से और तेरे चिनानी से मैं रुकता नहीं, मैं अपनी आराधना को बढ़ाऊंगा करके उसने अपने हाथ बढ़ाई तो उसका दोनों हाथ राजा का सूख गया
जो हाथ को उसने बढ़ाया था वो सूख गया। और राजा घबरा गया, बोला अरे नबी ये क्या तूने कर दिया, मेरा हाथ तो सूख गया, तू प्रभु से विनती कर कि मेरे हाथ ज्यों का त्यों हो जा। और फिर नबी प्रार्थना करता है, उसका हाथ ठीक हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चेतावनी भेज रहा है उसको, राजा उस काम को करने के पहले राइट टाइम पर प्रभु एक नबी को भेज रहा है, एक यंग प्रॉफिट को भेज रहा है, और प्रॉफिट आकर उसको वार्न कर रहा है। और ये वार्निंग को जो है आगे आप देखेंगे तो बाइबल कहता है दूसरा राजा 23वां अध्याय उसका 15 वचन, जो उस जवान प्रॉफिट ने भविष्यवाणी करी थी जेरोबाम के बारे में, वो दूसरा राजा 23वां अध्याय 15 वचन में होता है। और ये अंतर जो है लगभग 300 साल के दरमियान, पढ़िए 15 वचन। जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यारोबाम ने बनाया था जी, जिसने इजराइल से पाप कराया था जी, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर भूमि कर दिया और अशेरा को फूंक दिया जी। आगे तब योशिया ने मुड़कर वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवाकर उसको अशुद्ध किया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ, ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने, परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था। हालेलुया। ये वो वचन है जो पहला राजा 13वां अध्याय का दूसरा राजा 23वां अध्याय में पूरा हो रहा है। और ये दोनों के समय के बीच में 300 साल का अंतर है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि हमारा परमेश्वर ऐसा है जो 300 साल पैदा होने वाला बच्चे का नाम बताता है कि जोशिया नाम का एक राजा आएगा। मैंने पहले आपको बताया था प्रभु ने साइरस के नाम को 150 साल पहले बताया था, एक साइरस आएगा। हालेलुया। प्रभु आपको नाम लेकर पुकारता है, जीवन की किताब में उसके नाम लिखे हुए, वह हरेक नाम जानता है। ये वचन वहां पर पूरा हुआ कि एक दिन ऐसा राजा उठा दाऊद के गोत्र से, उसने कब्रों को खोद कर वेदी पे उनकी हड्डियां जलाई। बोले कि दूसरा मूरत की उपासना कभी इसराइल के अंदर आना नहीं चाहिए। ऐसा एक कठोर व्यक्ति जो प्रभु के लिए जलन रखने वाला राजा को उठाए। लेकिन जेरोबाम वो एक खतरनाक राजा था जिसने मूरत की उपासना ले आकर खुद तो पाप किया लेकिन दूसरे को भी पाप में डाल दिया उसने। हालेलुया। बहुत सी बार आपके और हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम खुद तो गलती करते हैं, दूसरे को भी मजबूर करते हैं गलती करने के लिए। अब ये राजा ने क्या किया, इस नबी को जो वेदी को फाड़ कर ये चिन्ह बताया, जो भविष्यवाणी करी, उसकी सूखी हाथ को फिर से ताजा कर दिया। उसको बुलाया कि चल घर पर, मैं तुझे तोहफा देना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रिवॉर्ड यू। हालेलुया। प्रॉफिट्स डोंट गो फॉर रिवॉर्ड्स, पर नबी लोग कभी भी तोहफा के लिए नहीं जाते। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के बंदे को तुम कभी पैसे से खरीद नहीं सकते। राजा बोलता है आजा मैं मेरे घर पर, मैं तुझे तोहफा देना चाहता हूं। उसका 13वां अध्याय का पढ़ सकते हैं 7 और 9 तक कि राजा ने बोला मेरे घर चल। हम जानते हैं कि इज़राइल का खुदा ने जिसको भेजा वो सिर्फ अपना काम करके आता है, वो प्रभावित नहीं हुआ। अक्सर ऐसा हम लोग हो जाते हैं। अगर आप हमारे दिनों का नबी को देखेंगे तो नबी को एक ऐसे समय में, मैंने पढ़ा मैसेज के अंदर कि उसको बड़ी वाली कैडिलैक गाड़ी गिफ्ट में दिए और नबी वो गाड़ी वहीं वापस देखकर आ गया, ले लिया। उसने बोला कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी में मेरे गरीब लोगों के पास कैसे जा सकता। उसने वो गाड़ी को रिटर्न की। भाई ब्रैनम को लोग ब्लैंक चेक देते थे साइन करने के लिए, तुम अपना अमाउंट लिख लो, लेकिन भाई ब्रैनम ने कभी भी ऐसा चेक लेकर उसने अमाउंट नहीं लिखा। जो कुछ चेक उसको मिला वो उसने प्रभु की सेवा में डाल दिया। एक ऐसा टाइम आया कि भाई ब्रैनम ने इतना पैसा क्या खर्च की करके, जब ही टैक्स वालों ने उस पर छापा मारा तो उसके ऊपर $40,000 का जुर्माना लग गया, जो बाकी के पूरी जिंदगी वो कर्ज को चुकाते रहा। आप मेरे साथ हैं? इसके लिए खुदा का बंदा लोगों को कर्जा नहीं होगा करके मत बोलो।
भाई ब्रणम को बहुत बड़ा कर्जा था, जो बाकी के मिनिस्ट्री में वो कर्जा लोगों का टैक्स खाली गवर्नमेंट का, लेकिन उसमें से उसने एक भी रुपया खाया नहीं था, वो सारे मीटिंग को लगाया गया था, भाई ब्रणम के नाम पे लगाई गई थी। सो खुदा के बंदों को तुम पैसे की लालच नहीं दे सकते, हालेलुया, अगर वो सच्चा आदमी है तो। अगर वो पैसे के लिए सेवा में उतरा है तो नेचुरली वो पैसे ही कमाएगा। गुड्डू जेम्स ने गाया है, कल के भिखारी आज के लखपति। आज के सेवकों की क्या हालत है? कल के भिखारी आज के लखपति। कल लेके आए झोला और आज मर्सिडीज कार में घूम रहे हैं। इन लोगों की पहले की दशा और आज की दशा में आप फर्क लगा सकते हैं कि ये पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। 2 रुपए के तेल की बोतली 15 रुपए में बेचना है। पैसा हमें खरीद नहीं सकता। इज़राइल में एक ऐसा समय आया था, दूसरा राजा 5 अध्याय के अंदर, जिसका नाम है नामान कोड़ी। वो सीरिया का कमांडर था और उसके घर में एक लड़की नौकरानी थी जो गुलाम बनकर लाया हुआ लड़की। उसने अपनी स्वामिनी के साथ में बात करते हुए कहा कि अगर हमारा स्वामी इज़राइल में जाए तो उधर एक नबी है, हालेलुया, वो हमारे स्वामी को कोड़ से अच्छा कर सकता है। बहुत धीरजमय बातें हैं मसीह में मेरे प्रिय लोगों। एक गुलाम लड़की जो घर में काम करने वाली गवाही दे रही है इज़राइल के नबी के बारे में। हम लोग नबी के बारे में बोलने को शर्माते हैं, डरते हैं, कतराते हैं कुछ लोग। कई लोगों ने तो मेरे को यह भी सवाल पूछा, बार बार नबी की बात क्यों करते हैं? हम लोग वचन को बोलना है, यीशु को बोलना है, नबी को क्या कहते हैं? जहां नबी की जिक्र करना है वहां नबी की जिक्र करना ही है, प्रेज द लॉर्ड। और ये गुलाम लड़की उस घर पे रहकर कहती है कि अगर मेरा स्वामी इज़राइल में जाए, वहां एक नबी है जो उसके कोड़ को अच्छा कर सकता है। और जब स्वामी ने देखा, जब नामान घर आया तो बोला, जी सुनो, हमारे घर में जो नौकरानी है ना, वो कहती है कि आप इज़राइल में जाइए, वहां एक नबी है जो आपके कोड़ को अच्छा कर सकता है। अब एक मिलिट्री का कमांडर के पास में पैसे की कमी नहीं, लेकिन कोड़ पर कोई इलाज ही नहीं है। न जाने उसने कितने पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन उसका इलाज उसके पास में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। और घर में एक नौकरानी लड़की, हालेलुया, आपकी बात समझ में आ रही है? एक नौकरानी का मतलब यह है कि जब चढ़ाई हुई थी तो कई लोगों को गुलाम बना के ले गए थे, तो इस लड़की को भी गुलाम बना के लाया है। अपने घर से बिछड़ते हुए, अपने परिवार से अलग होते हुए, और उसको अकेले में ले गए, कोई स्वागत रथ में बिठा के तो नहीं लाए रहेंगे, उसको हंटर लगाकर बांधकर हाथ पैर खींच के लाए रहेंगे। ऐसी हालात में भी लड़की अपने खुदा पर भरोसा रखने वाली है। हम लोग थोड़ी सी बीमार पड़ जाए चर्च भूल जाते हैं, थोड़ी सी पैसे की तकलीफ आ जाए प्रभु को भूल जाते हैं। यह लड़की के जीवन में कितना बड़ा समस्या, लेकिन वह अपने खुदा और नबी को भूली नहीं। बोले, इज़राइल में एक नबी है, हालेलुया। इस विश्वास को देखकर नामान कहता है कि चलो जाएंगे। उसने राजा से विनती करी कि इज़राइल का राजा को खत भेज, और चिट्ठी भेज दिया गया। इज़राइल का राजा ने खत पढ़ा और अपना धागा फाड़ा, बोला हाय, ये झगड़े का रास्ता ढूंढ रहा है, ये कमांडर को भेजेगा इधर, या जासूसी करेगा और फिर चढ़ाई करने के लिए, देखो इसकी तरकीब देखो करके ये झगड़े का रास्ता ढूंढ रहा, अपना कपड़ा फाड़ कर रोने लगा। एलिशा के पास खबर पहुंच गई। एलिशा ने बोला, अरे राजा क्यों रो रहा है, उसको मेरे पास भेज दे, हालेलुया, वो तेरा काम नहीं, वो मेरा काम है। और उस समय में नामान को एलिशा के पास लेकर चले गए। अब एलिशा नामान को मिलने भी नहीं आया, वो अपने घर में बैठा और अंदर से बोला, भाई कमांडर आया है मिलिट्री का, नो डाउट हमें लोगों की रेस्पेक्ट करना है। अगर आज अभी हम लोग बैठे हुए, अगर पूना का पुलिस कमिश्नर अचानक अंदर आ जाए तो हम सब ने खड़ा रहना है, उसको रेस्पेक्ट करना है। भाई ब्रणम बोलते हैं कि अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट आज आ जाए तो हमको खड़ा रहकर उसको सैल्यूट करना है उसके पोस्ट के लिए, हालेलुया। लेकिन मालूम नहीं, एलिशा अंदर बैठा हुआ कहता है, उसको बोल देना यॉर्दन में जाकर 7 बार डुबकी मार के चले जाए।
और ये जो नामान आया था ये तो सोचा था कि मैं जाऊंगा, वो अंदर से आएगा, हार पिनाएगा, मेरा स्वागत करेगा, बैंड बजाएगा, भाई कमांडर आया है मेरे को लेके जाके, बड़ी बड़ी ख्वाबें देख के जा रहे, कोड़ी के भी सपना देखो। उसको गुस्सा आ गया, बोला कि अरे क्या मेरे गांव में नदी नहीं है, इससे अच्छे अच्छे नदी है, मैला वाला योरदान नदी पे डूबेगा तो क्या मेरा कोट दूर होगा। और वो वहां से मुकर कर नाराज होके जा रहा है। जाने के समय उसके साथ में जो सेवक लोग आए थे वो कहते हैं सर जी, अगर वो कहता कि वो पहाड़ खोद के ले आ तो तू खोद के ले आता। उसने तो बहुत मामूली सी बात करी कि नदी में डुबकी मार दे, इसमें नाराजगी क्या बात है, मार ही लेते हैं। हालेलुया। अब उसके अक्कल खुल रही है कि नौकर लोग मेरे को समझा रहे हैं, बोले चलो यार मार लेते डुबकी। पर दिल में एक बात उसने ठान लिया था, होने वाला कुछ नहीं है, इसीलिए वो पानी में गया, अंदर बोला देखो हा वन टू थ्री, देखा कुछ हुआ क्या, ऐसी चीज देखो थोड़ा थोड़ा तो चेंजेस आना चाहिए ना। तीन हफ्ता चर्च में गया, पास्टर ने सर पे तेल मल के प्रार्थना किया, थोड़ा भी फर्क नहीं हुआ, फर्क पास्टर के हाथ से और तेल से थोड़ी होता है, फर्क तेरे विश्वास से होता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी नहीं परिवर्तन, 9 महीना मतमौली गया, कैंडल जला के आया, कुछ नहीं हुआ। किसने बोला 9 महीना जाने का, 9 हफ्ता जाने का। 51 सीढ़ी चढ़ के माउंट मेरी चला गया, किसने बोला 51 सीढ़ी चढ़ने का। मेरा वो खुदा है तुझे कई सीढ़ी चढ़ के नहीं बुलाता, कहता है तू जिधर है मैं उधर आता हूं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो वहां मैं हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे से कोई कठिन परिश्रम नहीं मांगता, कहता है कि जस्ट एक कंडीशन है, तू विश्वास कर। और यही जो है चीज हमारे से हो नहीं पाता, अगर कह दे कि डॉक्टर को जाकर 25,000 भर के आ जाएंगे, लेकिन विश्वास नहीं करेंगे। और बाइबल में हमारे लिए चिन्ह परमेश्वर ने चंगाई का बहुत आसान किया है, यदि तुमने कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्रचनों को बुलाए, तेल मलकर प्रार्थना करे, विश्वास की प्रार्थना रोगी को खड़ा करेगा। पर ये आपका हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। और 7वीं बार जब नामान बाहर आया तो चंगाई पा लिया। हालेलुया। बाइबल कहता है उसका शरीर नया लड़का, जवान लड़के के मापित बदल गया, एक कोड़ी शरीर। योर्दन का पानी में क्या चमत्कार है, वैसे तो गाय भैंस भी उधर नहा के गए होंगे, चमत्कार योर्दन नदी में नहीं, चमत्कार नबी के वचन को पालन करने में है, उसके उपासना। हाँ बाबा, उसका डर भय और जो कहा वो हो गया। हालेलुया। अब जो पैसे लाए थे, भेंट लाए थे, वो तो एलीशा मिलने को भी नहीं आए, और उसने ये भी नहीं बोला चंगाई मिलने के बाद आगे फीस दे के जा, वो भी नहीं बोला उसने, जा तो अपने घर। अब एक खुदा का बंदा ने लाया हुआ भेंट क्यों नहीं लिया, भेंट लेने में कोई गलती नहीं है, अगर कोई तुमको भेंट देता है, कोई पास्टर को गिफ्ट देता है तो गिफ्ट लेने में कोई गलती नहीं, लेकिन एलीशा ने वो गिफ्ट नहीं लिया। उसका वजह यह है कि अगर वो गिफ्ट लिया होता तो नामान जाकर अपने राज्य में कहता मैं 10,000 रुपए लेके जाके चंगाई लेके आया, और बाइबल कहता है मेरा खुदा पैसे में दान नहीं देता, वो मुफ्त में देने वाला खुदा है। इसके लिए नामान जाकर कोई गुंजाइश नहीं कि वो बोल सके मैंने तोहफा दिया और चंगाई पाया, मैंने विश्वास किया, आज्ञा का पालन किया और चंगाई पाया। लेकिन उसके घर में एक नौकर था गेहाजी, उसने देखा उसके आगे फट गई, इतना सामान आया था सबको रिटर्न कर दिया, इसको तो नहीं चाहिए, पर हमारा तो परिवार है, अगर कुछ ले लिया होता तो क्या कम पड़ जाता। ये चला गया नामान के पीछे भागते भागते, बोले सर जी अभी अभी कोई आया है, अभी अभी कोई आया है, उसको कुछ पैसे की जरूरत है, झूठ बना रहा है,
देखो जो झूठ बोलते ना उनको सिखाने की जरूरत ही वो बनाते हैं, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। वो उत्पन्न करते, कौन उत्पन्न करता है आपको मालूम है? बाइबल में एक है, पढ़िए जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 पढ़िए, 44 से 47 तक। He of your father the devil, and the lust of your father he will do. जी। He was a murderer from the beginning. जी। And abode not in the truth. हाँ। Because there is no truth in him. When he speaketh a lie, there is no truth in him. उसमें सच्चाई है ही नहीं। फिर जब वो झूठ बोलता है, वो अपना खुद का झूठ बोलता है। आमीन। सबसे पहला झूठ बाइबल में किसने बोला? आदम के वाटिका में हवा से तू खा नहीं मरेगा, पहला झूठ है। इसके लिए इसको बोला है कि वो झूठ जब बोलता है वो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है। हम लोग झूठ कैसे बोलते? दूसरे का सुन के झूठ बोलते, लेकिन वो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है। आप मेरे साथ है? एक बार सच बोलो और भूल जाओ। आप झूठ बोलोगे तो याद करना पड़ेगा कल मैंने क्या बोला था। तो झूठ के वो छुपाने के लिए एक और झूठ, लेकिन एक बार ट्रूथ बोल दो बात खत्म हो गई। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रूथ में कोई मिलावट होता नहीं, और हर बार आप ट्रूथ ही बोलते रहोगे। इसने जाकर बोला कि अभी अभी कोई आया है, थोड़ी सी पैसे वगैरह। नामान बोला, यार मैं सब देने के लिए तो लाया था, अब तुम्हारा गुरुजी नहीं ले रहा, मैं क्या करूं? जितना चाहिए ले जा। अब नामान जितने उसकी कैपेसिटी थी उठाना था, जितना समझना था, उसने कुछ कपड़े लिए, सोने चांदी ले लिए, और भागते भागते घर को गया, सब कुछ रखा। किससे मत बोलो, पेटी में रख दिया। किसको बोलो मत, चर्च मेंबर को बताओ मत। अपन ने इतना सोना लिया, इतना पैसा लिया, किसको खबर मत दो। रख दिया उसने और आकर खड़ा हो गया एलिशा के पास। एलिशा बोल रहा है, नामान प्रभु वो चला गया, तू किधर गया था? ना मैं तो इधर ही था। ना बोलता है, मैं देख रहा हूं तो नामान के पीछे दौड़ते गया और उसके पास से चीज ले और जाकर अपने घर में रख कर तू आया। एलिशा ने उसको कुछ नहीं बोला, बोला कि क्या ये समय सोना चांदी बटोरने का है? क्या ये समय सोना चांदी बटोरने का है? क्योंकि इजराइल के हालात और दशा को देखकर तो उसने बोला कि खाली उससे पैसे लिए तूने, उसका कोड भी तू ले ले। और उसी क्षण में गेहाजी कोड़ी हो गया, और आज जो कोड वंशावली है वो गेहाजी का वंशावली है। आप मेरे साथ हैं? खुदा का बंदा रिवॉर्ड नहीं लेता। इधर एक बॉम्बे में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, एक पॉल आए थे अमेरिका से, खुद की प्लेन में आए थे, और बॉम्बे में लगभग सभी चर्चेसों को एक एक बस दिया था उसने, फ्री में जाओ, और एक एक पैकेट बिरयानी। मतलब 3-4 लाख लोग एक एक पैकेट उधर बिरयानी, और सभी बॉम्बे के पास्टर लोग को एक बढ़िया सूटकेस ब्रीफकेस गिफ्ट दिया था। बहुत महीनों से तैयारी चल रही थी और बहुत लोग देखे, बहुत अपेक्षा किए और उस मीटिंग में गए। उस मीटिंग में जाने के बाद उसका संदेश था, मेरा मोबाइल जो है इंग्लैंड का राजा चार्ल्स ने दिया हुआ है, मेरा घड़ियाल जो है वो सऊदी अरब का राजा ने दिया हुआ है, मेरा शर्ट, मेरा पैंट, मेरा ना 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 क्या क्या सब बाहर से दिया हुआ, गिफ्ट दिया हुआ, मेरे को गिफ्ट मिला है। यही बोल के उसने मैसेज खत्म कर दिया। उसके पास मैसेज नहीं था। आप मेरे साथ हैं? आज भी यही चल रहा है चर्चसों के अंदर। आप बुलाइए, बड़े बड़े सिंगर लोग हैं, जो लोग आएंगे तो वो पैसे की डिमांड रखेंगे, और अगर आप उनको बोलेंगे खर्चा तो अपना खुद का घड़ी निकाल के निलाव करेंगे। आज चर्च और पुलपिट जो है एक बिजनेस बन चुका है, जहां परमेश्वर का वचन प्रचार होना है
वहां आज व्यापार और बिजनेस और बात धंधे की चल रही है। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 8 अध्याय के अंदर एक और घटनाओं को हम देखते हैं। जब पत्रस, याकूब, यूहन्ना वहां चले गए समरिया में, और वहां पर फिलिप ने पहले से लोगों को वचन सुनाया था, बपतिस्मा दिया था, वहां जाकर उन पर हाथ रखे तो उन्हें पवित्र आत्मा मिला। अब वहां पर एक आदमी था जिसका नाम था साइमन, और साइमन आया उनके पास में पैसा लेकर और कहा, भाई ये हाथ रखने से जो आत्मा मिलता है ये वरदान मुझे भी दो ना। पैसा ऑफर किया उसने, अब मिला आपको 8:17 और 18। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, हाँ, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। प्रेज द लॉर्ड। जब पत्रस, याकूब, यूहन्ना आकर हाथ रखे, उनको पवित्र आत्मा मिल रही थी, और ये आकर बोले ये पैसे ले लो और मुझे भी ये वरदान दो कि मैं भी जिस पर हाथ रखूं उसको पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। अब पत्रस की डांट देखो कितना भयानक है। कहता है, डाय मनी पेरिश विद दी, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए। क्या ये बड़े करोड़पति थे क्या? ये मछुए लोग, अनपढ़ लोग यीशु के साथ घूमे हुए, कहते तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए। क्या परमेश्वर का वरदान को तो पैसे में खरीदना चाहता है? परमेश्वर अपने वरदानों को मुफ्त में देता है। अब वो कहता है कि तेरा कोई हिस्सा नहीं, there is no part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God। प्रभु के दृष्टि में तेरा हृदय सही नहीं है, लेकिन लोग तेरे को एल्डर मानते होंगे क्योंकि तू बहुत पैसा लाके ऑफर दे रहा है चर्च, लोग मानते होंगे, लेकिन प्रभु की नजर में तू सही नहीं है। हालेलुया। तुम पास्टर के नजर में सही हो सकते हो, एल्डर के नजर में, डीकिन के नजर में, चर्च मेंबर के नजर में सही दिखाई दे सकते हो, लेकिन प्राधान्य प्रभु की नजर में तुम कैसे दिखते हो? प्रभु जब भी तुमको देखता है तो क्या सोच रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इसीलिए चर्च में मनुष्य को खुश नहीं करना है, हमको हमारे प्रभु को खुश करना है। और प्रभु का धन्यवाद हो, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए। अब देख पर दाय हाथ इज नॉट राइट, रिपेंट देयरफॉर दिस दाय विकेडनेस एंड प्रे गॉड इफ परहैप्स द थॉट ऑफ दाइन हार्ट मे बी फॉरगिवन। प्रार्थना कर, पश्चाताप कर, हो सके तेरे मन की जो बातें वो तेरे अंदर पित्त सा कड़वापन है। हालेलुया। क्या है तेरे अंदर? पित्त। आज बहुत से बिलीवर लोगों के अंदर भी पित्त है। सिस्टर लोग को मालूम रहेगा मच्छी सफा कैसा करना है। अगर पित्त का थैली फट गया तो सारा मच्छी कड़वा हो गया। वैसा चर्च में जो पित्त वाला बिलीवर फटा तो सारा चर्च कड़वा हो जाता है। भाई ब्रणम कहते हैं कि कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिसके अंदर पित्त नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिसके अंदर पित्त नहीं होता, शुद्ध पक्षी। वो एक छोटी सी कीड़ा भी खा जाए ना मर जाएगी, खाली वो धान्य खा सकती है। प्रभु ने कहा कि वह पवित्र आत्मा को दर्शाता है कि जिस बिलीवर के अंदर पवित्र आत्मा हो उसके अंदर जरा सा भी पित्त नहीं मिलेगा तुम्हें। अब ये शिमोन के अंदर पित्त भरा हुआ है। पत्रस ने बाहर से देख के एक्सरे निकाल के बता दिया। बाइबल कहता है इब्रानी की किताब उसका 4:12 में, परमेश्वर का वचन धोधारी तलवार से भी छोका है। वो वचन हड्डी को और वो गांठ को और गुदे को पार कर देता है। हालेलुया। बोले हालेलुया। ये एक्सरे मशीन जो डॉक्टर लोगों ने पहचाना है, ये आपके मांस सब फाड़ के आपके हड्डी को जाके कैप्चर करता है नहीं? स्कैनिंग मशीन आपके मांस और हड्डी को भी अंदर जाकर कैप्चर करता है। परमेश्वर का वचन उससे भी तेज है, वो आपके हड्डी को रिपेयर करता है। हालेलुया।
आपके हर शरीर के कांट को आर पार करने वाला परमेश्वर का वचन। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर शिमोन तुरंत प्रार्थना करता है 24 में, प्रे टू द लॉर्ड फॉर मी दैट नन ऑफ दिस थिंग्स हैव बीन स्पोकन कम अपॉन मी, मेरे लिए प्रार्थना करो इसमें कि कोई भी आपत मुझ पर ना आए। बच गया वो क्योंकि उसने क्षमा मांगा। जब आपत आती है रिपेंट करो, बच जाओगे। मुझ पर आपत आई थी, मैं प्रभु से पश्चाताप मांगा, बोला क्षमा कर प्रभु अगर कोई गलती मुझसे हुई है, प्रभु मैं मेरा जीवन तेरे लिए अर्पण किया है, मुझे सेवा करना है, मेरे को जीवन में और कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद है जब तक जीऊं ये अंतिम समय का संदेश लोगों तक पहुंचाओ। प्रभु ने मुझे क्षमा किया, मुझे प्रभु ने फिर नया जीवन दिया, मौत के खाई से हमें प्रभु ने बाहर निकाल के लाया। हालेलुया। अब मैं नहीं जानता लेकिन प्रभु जानता है, क्योंकि प्रभु अंतकरण को देखने वाला परमेश्वर है। शमूएल बेटा है ईशे के घर में, एक के पीछे बेटा चला गया, और जब वो देखा बड़ा बेटा तो सोचा ये होगा, बड़ा बेटा सोचा ये होगा। प्रभु कहता है शमूएल को, शमूएल जैसा मनुष्य देखता है वैसा मैं नहीं देखता, मनुष्य ऊपरी भाग को देखता है, मैं अंदरूनी भाग को देखता हूं। ये जितने बड़े बड़े दिख रहे हैं कद वाले ऊंचे, ये दिल के बड़े कच्चे हैं। मैं मेरा दिल का जैसा राजा को लेके आता हूं देख। और जब डेविड आया तो शमूएल को यकीन ही नहीं हुआ कि ये राजा हो सकता है, लेकिन खुदा की नजर उस पर बनी हुई थी। आप मेरे साथ हैं? तो ये आदमी रिवॉर्ड लेने के लिए नहीं गया, परंतु उसने राजा को बोला नहीं मैं नहीं आ सकता तेरे घर में रिवॉर्ड लेने, क्योंकि प्रभु जब मुझे भेजा तो मुझे ये बोल के भेजा तू ना वहां खाना खा ना वहां पानी पी, और जिस रास्ते से गया उस रास्ते से भी लौटना नहीं, दूसरे रास्ते से चले जा। इसलिए राजा मैं तेरे पास नहीं आ सकता, ऐसा बोलकर वहां से वो चला जा रहा है। बोलो हालेलुया। यहां तक तो ये नबी ने बहुत बढ़िया काम किया, एक राजा को ऑफर को टुकड़ा दिया, ना जाने अगर वो जाता तो राजा उसको क्या से क्या बना दिया होता। लेकिन उसने बोला नहीं मेरा प्रभु का वचन है ना खाना खाना पानी पीना कुछ, वहां से व्यवहार कर और जिस रास्ते से गया उस रास्ते से वापस लौटना नहीं, दूसरे रास्ते से चले जा। ये अनेक बार प्रभु ऐसा करता है। जब जोसेफ और मरियम यीशु को लेके गए थे, फरिश्ते ने आके यही बोला इस रास्ते से मत जा दूसरे रास्ते से निकल जा। जब वो मागी लोग यीशु को ढूंढने गए थे, फरिश्ते ने आके बोला जैसा आया वैसा मत जा दूसरे रास्ते से चले जाओ। प्रभु भेजने का तरीका होता है, मालूम नहीं कैसे तरीका है लेकिन प्रभु ऐसा ही भेजता है, जो रास्ते से तू जाए वो रास्ते से लौटना मत। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? तो ये प्रॉफेट राजा का आज्ञा को मानकर निकल के चला जा रहा है, और कुछ वहां जवान बच्चे आकर उस गांव में एक और प्रॉफेट है उसको जाकर बता रहे हैं कि अभी अभी एक नबी आया था और उसने जबरदस्त काम किया। क्या काम किया? राजा मूरत की उपासना करने के टाइम उसको चैलेंज किया और राजा ने हाथ पड़ा, उसका हाथ सूख गया, वेदी फट गई, मूरत टूट गई, छल गई, और राजा का हाथ फिर से उसने त्यों करके दे दिया, और राजा का कोई ऑफर उसने लिया नहीं, और वो ऐसी खालिया जा रहा है जिस रास्ते से आया उस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से जा रहा है। अब ये नबी ने क्या किया? अपने बेटे को बोल रहा हूं कौन से रास्ते से गया, बोले इस रास्ते से गया। ये नबी बोलते जल्दी खदे को बांध तैयार कर, और ये पुराना नबी जिसको बोलते ओल्ड प्रॉफिट, अब वो यंग प्रॉफिट को ढूंढ के जा रहा है। दोनों का भी नाम नहीं है बाइबल में। अब मेरे साथ है? अब जाते जाते क्या देखा उसने, रास्ते पर नबी कहीं एक रास्ते पे जाकर थक कर एक पेड़ के तले बैठा हुआ विश्राम कर रहा है। क्या खुदा है! हालेलुया। पानी भी मत पी, खाना भी मत खा। आमेन आमेन। काम तो करवाता है, पानी भी मत पी, खाना भी मत खा बोलता है। भूखा प्यासा बैठा हुआ है किसी पेड़ के नीचे, बोले क्या प्रभु, पर मेरे वचन को पूरा कर दिया है। कभी कभी खुदा के बंदों के साथ ऐसा होता है, भूखा और प्यासा रहना पड़ता है, खुदावन मना करता है। हालेलुया। हम लोग कभी कभी घरों में जाते खाना खाने, सिस्टर लोग बड़े प्यार से बोलते पास्टर थोड़ा खाओ ना, हम बोलते नहीं चाहिए, बोले थोड़ा सा खाओ ना, बोलते इसीलिए नहीं चाहिए थोड़ा थोड़ा इसीलिए नहीं चाहिए हमको। और हमारे घर में जब लोग आ जाते हम लोग खाना बांटने के टाइम पे, तो हम लोग और लेके आता और बोलते किधर है, है नहीं देने के लिए, थोड़ा ही है, जो भी है थोड़ा सामने रख दो। प्रेज द लॉर्ड।
और फिर किसी अजनबी घर में बैठे हो और समझ लेना खाना खत्म हुआ तो बर्तन की आवाज आएगी, हाथ धो के उठ जाओ गपचुप। वो इशारा है आपके लिए कि घर में खाना खत्म हुआ। नबी जाकर बैठा है बरगद के पेड़ के नीचे, पता नहीं ओक ट्री करके लिखा है, और ये पुराना नबी बोला मैं भी प्रॉफिट हूं, प्रेज द लॉर्ड, मेरे घर पे चल। अच्छा आप प्रॉफिट है, ठीक है चलता हूं। राजा ने बुलाया नहीं गया, प्रॉफिट बुलाया जाना पड़ा। बात समझ में आ रही है आपकी? उसने एक नबी को आदर दिया और वो प्रॉफिट के साथ में जा रहा है। अब ये बूढ़ा प्रॉफिट क्यों ये जवान प्रॉफिट को पकड़ के अपने घर पे लाया, जरा सोचने वाली बात है। और वो ये है कि ये प्रॉफिट उस राजा को कभी बोल नहीं पाया तो गलत कर रहा है। मतलब ये एक ऐसा पास्टर है जो अपने मंडली को सुधार रहा नहीं है, आप समझ रहे हैं? राजा मूर्ति पूजा कर रहा है, बछड़े का मूर्ति लगा रहा है, वेदी बना रहा है, अन्य देवताओं को उपासना कर रहा है, बलिदान कर रहा है, ये नबी वहां पर है लेकिन ये राजा को कुछ बोल नहीं रहा है कि राजा तू गलत कर रहा है। इसीलिए प्रॉफिट उस गांव में एक जवान नबी को भेज रहा है कि जा उस राजा को बोल। अब ये नबी क्यों कुछ बोल नहीं रहा है कि क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज स्टेज में बैठा हुआ है। हो सकता है ये चुना नबी होने के कारण इसको मान मर्यादा अलग था, राजा इसकी बड़ी इज्जत करता होगा, सोचता रहेगा अगर राजा को मैं कुछ बोल दूं तो ये मेरे ट्रांसफर के लेटर बना के। आज कितने पास्टर लोग ऐसे दबे पड़े हैं, कुछ बोल दिया तो ट्रांसफर की लेटर आ जाएगी, चर्च छोड़ना, ये अच्छा चर्च है। हमारे चर्चों की कहानी आपको पता नहीं है कि एक चर्च में ट्रांसफर पाने के लिए 5-5 लाख रुपया बिशप को देना पड़ता है, तब ट्रांसफर मिलती है उधर, क्योंकि वहां के चर्च में अच्छा खासा माल पाने वाले रहते हैं। ये बिजनेस चर्च में भी चलने लगी कि एक अच्छा जगह पे जाने के लिए। कोई कोई तो पास्टर आता है फिर बाद में लेटर बना के मंडलियों के लेटर लेके साइन लेके हेड ऑफिस में भेजता है कि हमको ट्रांसफर नहीं चाहिए, हमको यही पास्टर चाहिए, हमको ट्रांसफर। ऐसे वो पास्टर 5 की जगह 10 साल रहता है, 10 की जगह 50 साल रहता है, बाद में घर ही छोड़ने को तैयार नहीं, बाद में झूठे मुझे कागज लेकर कोर्ट कचहरी लगे थाने पुलिस थाने में पड़े, अब प्रॉपर्टी हड़प करने के चक्कर में, मिशनरी की प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में। आप मेरे साथ हैं? इसीलिए ये जुना नबी शायद वहां बैठा होगा कि भाई जाने दो राजा, तू जो करना है कर, अपने लिए तो पार्सनेज है, घर है, खाना पीना चल रहा है, चलते रहने तो किसको क्या समझता है। ऐसा हो सकता है ये प्रॉफिट, इसीलिए ये प्रॉफिट वहां होते हुए भी अपना राज्य को सुधार नहीं सका। हालेलुया, प्रभु राज्य जरूर देता है इसके पीछे, और राजा को प्रभु आशीष जरूर देता है, लेकिन राजा को प्रभु हमेशा बोलता है नबी की बात सुनकर चलना। आपको प्रभु ने कितना बड़ा बना दिया, कितना रेवल्यूशन दे दिया, जरूरी वो नहीं है, जरूरी है कि तू नबी की बात मानकर चलना। नबी की सलाह मशुरा आपके साथ बनी रहनी चाहिए। बोलिए हालेलुया, आप मेरे साथ है? तो ये नबी जाकर उसको बोलता है कि आजा मेरे घर पर, मैं भी प्रॉफिट हुआ, मैं भी तेरे जैसा प्रॉफिट हुआ, आजा मेरे घर पर। और वो नबी की वजह से उसके पास चला जा रहा है। अब उसके घर पे जाने के बाद उसने खाने के लिए खाना पीना रख दिया उसके पास, और खाना पीना खा रहा है वो, क्योंकि प्रॉफिट दे दिया। खाना पीना खाने के बाद वो कहता है कि अब मेरे पास एक एंजल आया था 18 वचन में, 13-18। एंजल स्पेक अनटू मी, एक देवदूत मेरे साथ बात किया है। हालेलुया, क्या बात किया है? देवदूत मेरे साथ बात किया है। अब एक झूठ पर विश्वास करने के लिए आदमी मजबूर हो जाएगा जब देवदूत दर्शन दे दिया तो। मेरे साथ भी एक एंजल ने बात किया है, वो ये बात किया है कि तुझे अपने घर बुलाए, तुझे खाना खिलाए, तुझे पानी पिलाए, और जिस रास्ते से तू आया उसी रास्ते से तुझे विदा करे। ऐसा अभी अभी मेरे घर में एंजल ने आकर बोल के गया। हालेलुया, अभी ये नबी सोचता है कि आया होगा एंजल। अब ओल्ड प्रॉफिट है, एक्सपीरियंस प्रॉफिट है, शायद एंजल ने आकर बात किया होगा। लेकिन आप गलती करास 1:8 पढ़ के देखिए, इस नया जमाने के कलीसिया को पॉल क्या कहता है। परंतु यदि हम
या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। हालेलुया। अगर हमें छोड़ कोई और आसमान का फरिश्ता भी आकर तुम्हें दूसरा सुसमाचार सुनाए जो हमने सुनाया है वो श्रापित हो। आपकी बात समझ में आ रही है? जब खुदावन एक नबी से एक बात करता है वो दूसरे नबी से दूसरा बात नहीं करता, क्योंकि खुदावन एक टाइम में एक ही नबी के साथ बर्ताव करता है। दो प्रॉफिट लोग सीन में खड़े रह के कभी भी काम नहीं करते, खुदावन हमेशा एक प्रॉफिट के द्वारा काम करता है। हर एक जमाने में आप बाइबल को खोल कर देखिए, एक ही नबी एक टाइम पे उपयोग होता है। वन मैन इन द हैंड ऑफ गॉड। एक बाजू में 400 नबी लोग हैं लेकिन एक मिखाया खुदा के हाथ में है। जैसे वे 400 को पाल के रखिए लेकिन एक एलिया जंगल में बैठा हुआ है। खुदावन हमेशा इंडिविजुअल काम करता है। हालेलुया। नबी हमारा ये बात बता रहा है कि किसी भी समय में कलीसिया काल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को प्रभु ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु हमेशा एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। प्रभु को ग्रुप नहीं चाहिए, प्रभु को डिनोमिनेशन नहीं चाहिए, प्रभु को एक आदमी चाहिए जो उसके हाथ में खेल सके। डिनोमिनेशन में जाएंगे तो उनके अपने रूल्स और उनके अपने सब कुछ होंगे, वहां पर नहीं जा सकते। प्रभु कहता है कि एक आदमी मेरे हाथ में आया, मैं उसको चलाऊंगा। हालेलुया। तो अगर आसमान का फरिश्ता भी आकर कोई दूसरा सुसमाचार, कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? पॉल। कौन बोल रहा है? पॉल। पॉल बाइबल के अंदर 14 किताब लिखा है। कितना? पॉल को निकाल दे तो पूरा नया करार निकल जाएगा। सिर्फ 4 गॉस्पल रह जाएंगे आपके पास और 2 लेटर्स रह जाएंगे। पॉल को निकाल दे तो नया करार निकल जाएगी। पॉल अगर निकल गया तो क्रिश्चियनिटी नहीं रहेगी। और वो पॉल कहता है कि मुझे छोड़ कोई और आकर दूसरा शिक्षण दे दे वो श्रापित हो। अब वो कोई भी हो हमें क्या लेना देना है? वो कितना बड़ा इवेंजलिस्ट हो हमें क्या लेना देना है? वो कितना महान पुरुष और कितना चमत्कार करता हो हमें क्या लेना देना है? हमें तो वचन को देखना है, वचन क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये नबी ने सोचा कि शायद होगा। पॉल कहता है उसी अध्याय के अंदर, देखिए 11-12 वचन भी पढ़ के देखिए। बट आई सर्टिफाई यू ब्रदरन दैट द गॉस्पल विच वॉज प्रीच्ड ऑफ मी इज नॉट आफ्टर मैन। जो प्रचार मैं तुमसे किया है वो मनुष्य के हित पर नहीं किया। बोले आमीन। मैं जो संदेश तुम्हें दे रहा हूं ये मनुष्य से मिला हुआ संदेश नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस को कहा, लोग क्या कहते हैं मुझे? कोई भविष्यद्वक्ता, कोई यिर्मयाह, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। प्रभु ने बोला तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? लोग कहने दो। हालेलुया। हालेलुया। कोई कहता है भाई ब्रणम इज अ मैन ऑफ गॉड, कोई कहता है भाई ब्रणम वो अमेरिकन इवेंजलिस्ट था, कोई बोलता है भाई ब्रणम वो दुनिया क्या कहना, कहने दो तुम क्या कहते हो उसके बारे में। मैं कहता हूं कि वो वचन को पूर्ण करने के लिए आया हुआ मलाकी 4 का मिनिस्ट्री है। प्रभु तुम्हारा पर्सनल रेवलेशन को पूछता है, तुम क्या समझते हो उसको। आमीन। इन दिनों के अंदर मेरे पास एक आदमी ने एक सवाल उठाया और सवाल बढ़िया था। सवाल बोला ये, सवाल ये था कि आप अपोस्टल क्यों लिखते हैं आपके हैंडबिल में अपोस्टल? मैं सोच रहा हूं कि अपोस्टल जो है वो बाइबल के दिनों में खत्म हो गए। जो 12 लोग थे वही अपोस्टल थे, उसके बाद अपोस्टल नहीं है। ये हमने पढ़ा है, आप क्यों अपने नाम के नीचे आगे अपोस्टल लिख रहे हैं? तो मैंने कहा इफिशियन 4:11 पढ़ के जरा आप मुझे समझाओ कि ये वचन क्या कहता है। अब उसमें 5 प्रकार की सेवा है, अपोस्टल है, प्रॉफिट है, इवेंजलिस्ट है, पास्टर है और टीचर है। अब ये 5 प्रकार की सेवा पवित्र आत्मा कलीसिया को चुन के देता है ताकि कलीसिया सिद्ध पाए। तो मैंने कहा आप कौन है? बोले मैं तो पास्टर हूं। मैं बोला फिर आपको मालूम है कितने पास्टर लोग हैं एंड टाइम मिनिस्ट्री में? बोले हाँ बहुत पास्टर लोग हैं। मैं बोला एंड टाइम मिनिस्ट्री में मुझे बताओ अपोस्टल कौन है? बोले नहीं कोई नहीं है। मैं बोला क्यों? सबको पास्टर ही बनना है। पवित्र आत्मा तो बोलता है कलीसिया में अपोस्टल भी होना चाहिए। फिर मैंने उसको अपनी इतिहास बताई कि मैं अपोस्टल क्यों लिखता हूं या मेरे बारे में लोग अपोस्टल क्यों लिखते हैं।
शायद मैंने आपको भी बताया होगा। सो खुदावन कहता है कि यह मुझे मनुष्य से नहीं मिला, यह मुझे प्रभु से मिली है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जाकर बिशप को 100 रुपए भर के अपोस्टल नहीं बना, मैं जाकर किसी को ऑर्डिनेशन का फीस भर के पास्टर का ऑर्डिनेशन करके नहीं लिया, मैंने पैसा देके पदवी नहीं लिया। मुझे जो कुछ मिला है वो प्रभु ने दिया है। आप मेरे साथ हैं? आप मुझे पूछेंगे, पास्टर आप इतना अच्छा प्रचार करते हो, इतना अच्छा बाइबल स्टडी देते हो, आप कौन से कॉलेज में पढ़े? बाइबल कॉलेज में। मैं बोलूंगा बाइबल कॉलेज में मैंने पैर भी नहीं रखा। फिर आप बोलेंगे इतना शिक्षण आपको कहां से आया? यही तो मैं बोलता हूं, खुदा दिया, ये आदमी ने नहीं दिया। ये आदमी को सीखने के लिए मैंने कोई कोर्स करके नहीं आया, ये प्रभु ने नेचुरली दिया हुआ वरदान। आप मेरे साथ हैं? और जब ये काम आपके जीवन के अंदर मैनिफेस्ट होता है, प्रभु वरदान आपको देता है। और पॉल कहता है आगे 12 वचन में, फॉर नाइदर रिसीव्ड इट ऑफ मैन नाइदर आई टॉट इट बट बाय द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ना मुझे किसी ने सिखाया और ना ही मुझे मनुष्य ने बताया, परंतु प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन से मुझे यह प्राप्त हुआ है। बोलो हालेलुया। अब खाना खाने के बाद यह उसी रास्ते से निकल के जा रहा है जिस रास्ते से प्रभु ने उसको मना किया था। विदाई हुई, टाटा बाय बाय हो गया, थोड़ा आगे चला गया, एक शेर ने उसको मार दिया। बाजू में गधा भी खड़ा है जिसपे वो सवार हो गया है, लेकिन उनको खाया नहीं, वो खाली मारा। एक शेर जब एक आदमी को मारता है तो क्या करता है? खाने के लिए मारता है। और उसने जानवर को कुछ नहीं किया, खाली प्रॉफिट को मारा। और मार करो शेर उधर ही खड़ा हुआ है। अब कुछ लोगों ने देखकर वो पुराने नबी के घर पे गए, बोले अरे अभी अभी तेरे घर से जो गए थे वो रास्ते पर मरा पड़ा है, शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया, मर गया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एक जवान प्रॉफिट जो खुदा के मर्जी से चलकर आया, प्रभु के पास से वचन पाया, राजा को चैलेंज किया, राजा का हाथ सुखा दिया, राजा के वेदी फाड़ कर दो टुकड़े कर दिया, लेकिन एक नबी के चक्कर में आकर वो परमेश्वर के वचन को भूल गया। The anointed one in the last days, अंतिम समय के अभिषिक्त लोगों, याद रखो कि कौन सा अभिषेक किसके ऊपर उतरता है। वो कहता है कि मैंने अभी फरिश्तों को देखा, एंजल्स ने मेरे से बात किया, मैं भी तेरे जैसे एक नबी हूं, मुझे प्रकाशन मिला कि तू मेरे साथ खाना खा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को कभी बदलता नहीं, कल आज युगान युग एक सा है। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। कुछ वर्षों के पहले हमारे इधर एक ब्रदर थे, इसका नाम अच्छा था, मेरे को याद आएगा तो मैं बताऊंगा। उसने अपने फैमिली के साथ आया और भविष्यवाणी किए चर्च में, चर्च के अंदर प्रोपेसी किया, प्रोपेसी ये किया कि हाँ याद है, उसका नाम है वरदराज। बोले ब्रदर वरदराज को 8,000 रुपए की जरूरत है, प्रभु यूं कहता है पास्टर से कि उसको 8,000 रुपए दे दो, चर्च में प्रोपेसी हो रही है। मैंने कहा जो प्रभु ने आपको बोला 8,000 रुपए दे दो, वो प्रभु मुझे भी बोलना चाहिए 8,000 रुपए देने के लिए, तो मैं जरूर दूंगा। बात आपकी समझ में आ रही है? प्रभु जब ये काम करता है वन साइड में काम नहीं करता है, प्रभु दोनों बाजू से काम करता है। ये कभी भी ध्यान में रखना, सच्चाई को पहचानने का ये तरीका है, प्रभु दो तरफा काम करता है। अगर यहां पर कोई चीज की जरूरत है तो प्रभु यहां से भेज रहा है। उसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जब पत्रस जाकर वहां पर पौलुस जाकर वहां अंधा होकर पड़ा था, तो प्रभु उसको बता रहा है हनन्या आ रहा है तेरे लिए प्रार्थना करने, और प्रभु हनन्या को बोल रहा है जा उधर, पौलुस जो है सौल कहलाता वो अंधा हो गया है, तू जाके प्रार्थना कर। प्रभु वो तो तेरे लोगों को मारने के लिए इधर आया है,
बड़ा खतरनाक आदमी के पास तू मुझे भेज रहा है। वो पौलुस की दहशत थी उस समय में, घर में घुस घुस के प्रार्थना करने वाले को बाहर खींच कर चौराहे में मारता था। पौलुस से कितना खतरनाक आदमी था, जो इतिहास बताता है कि वो दो मुर्दे लोगों के बीच में एक विश्वासी को बांधकर उसको कड़ी धूप में डालता था सड़ने के लिए। गाय का चमड़ा, गीले चमड़े में विश्वासी को लपेट के उसको धूप में बांध के डाल देता था। जब वो चमड़ा सूखती थी, विश्वासी की हड्डी सब तोड़ देता था। यह था पौलुस का सजा देने का तरीका। पौलुस के वजह में लोग दहशत में थे, यरूशलेम से सब भाग गए। और पता चला दमस्कस में लोग हैं, तो पौल चिट्ठी लिया गवर्नर के पास से, अपने जेब में रखा, बोला मैं जा रहा हूं, इनको मार मार के लेके आऊंगा। और उसके पॉकेट में अधिकार को रख के जा रहा है, पावर को लेके जा रहा है। लेकिन रास्ते पर प्रभु अग्नि स्तंभ के द्वारा भेंट करता है। सबसे बड़ा पावर उसके सामने आ गया, अंधा होके नीचे गिर गया। हे प्रभु तू कौन है? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रभु मैं क्या करूं? चल मैं बताता हूं, जो रास्ता सीधी कहलाती है चल। कौन सा रास्ता? हाँ, पहले टेढ़ा चलता था, अभी प्रभु बोलते जो सीधी कहलाती है उस रास्ते में। क्या गली का नाम है? सीधा। पौलुस टटोलते हुए बोले भाई साहब मेरे को लेके चलो यार। अभी क्या फायदा है गवर्नर का पावर बीच में? तेरा आंख ही चली गई, अब कुछ नहीं कर सकता। पावर लेके जा रहा है, उधर जाकर बैठा है, बोले क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तीन दिन खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। बोल रहे पौलुस खा ले तो कुछ पी ले, बोले नहीं मेरे को प्रभु का मर्जी क्या वो जानना जरूरी है। तीसरे दिन हनन्याह आया, बोला पौलुस यहीं रहता है? बोले हाँ। अंदर गया उसके लिए, बोला मैं प्रभु ने जो प्रभु तुझे रास्ते पर दर्शन दिया उसी ने मुझे भेजा है। जो रास्ते पर दर्शन दिया उसी ने मुझे भेजा है। आपकी बात समझ में आ रही है? अभी जुना नबी ने क्या बोलना चाहिए उसको? प्रभु ने मुझसे कहा वो तुझसे भी कहना चाहिए। और नया जवान नबी ने उसको बोलना चाहिए, अगर प्रभु ने दूत ने तेरे पास आ तो वो दूत को क्या मेरे पास आने को टाइम नहीं था? सिंपल बात है, वो मेरे पास भी आकर मुझे कहना चाहिए था। लेकिन लोग इस प्रोफेसी को वन साइड में लेते हैं, एक तरफा। हमेशा परमेश्वर के पास में विनती करो। चर्च में भी जब भी दर्शन होती है, स्वप्न होती है, दो गवाहों के साथ होना बहुत जरूरी है। कोई भी गवाह प्रभु देता है, एक और विटनेस प्रभु देगा, चर्च में देगा, जरूर देगा, वो उसका काम है देना। वो आपको और हमको उलझन में डालने वाला परमेश्वर नहीं, वो सब कुछ सभ्यता में करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए पॉल कहता है कि अगर कोई अन्य भाषा बोलने वाला हो तो अनुवाद करने वाला भी हो, क्योंकि दोनों भी वरदान देने वाला एक ही आत्मा है। ये कैसे हो सकता है कि एक आत्मा खाली अन्य भाषा के वरदान दे और अनुवाद का वरदान ना दे? नहीं, पौलुस कैसे है कि दोनों भी वरदान पवित्र आत्मा देती है और दोनों भी आपको मिलना चाहिए। और पौलुस को प्रभु कहते हैं 14 में, अगर कोई अन्य भाषा वाला बोलने वाला हो तो उसको बोलने दो, बाकी के लोग शांत रहो। और उसके बाद वही पवित्र आत्मा दूसरे के अंदर आकर उसने क्या बोला उसका अनुवाद करने दो, और जब वो अनुवाद करे तो बाकी के लोग शांत रहे। लेकिन इधर कैसे है, जो भी जगह चर्च में जाते के साथ बराबर 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 सब लोग बराबर हो जाते, कोई किसी का सुनता नहीं, कोई अनुवाद नहीं, कोई प्रभु का संदेश नहीं। हालेलुया। और ऐसा कभी भी भविष्यवाणी होती है तो वो बात आप सोचना मनुष्य की बुद्धि पर होती है। ओ परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह कहता हूं मैं आने वाला हूं शीघ्र, तुम लोग जल्दी जल्दी तैयार करो, मन फिराओ, प्रभु मैं कहता हूं मैं न्याय को भेज रहा हूं। अरे वो सब प्रभु नहीं बोलता, वो सब प्रभु ने बोल के रख दिया है। 2000 साल पहले वो बोल के रखा मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रॉफिट इधर माइक लेके खड़ा रहे, भारत में और विदेश में बहुत बड़ा भूकंप ये साल में होने वाला है। तो बाइबल में लिखा है अंतिम समय में भूकंप होगा। फिर वो बोलने के बाद किधर भी भूकंप हुआ तो देखो हमारा पास्टर ने प्रोफेसी किया, लंदन में भूकंप हो गया। ये सब दुनिया के आंखों में धूल झोड़ने वाला भविष्यवाणी है। ये सब परमेश्वर की अभिषिक्त आत्मा से नहीं होती, ये सिर्फ बहनाने बहकाने वाली आत्मा है, फरमाने वाली आत्मा है। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। इधर चार लोग हैं जिनके पेट में दर्द है,
एक भी नहीं खड़ा रहा, और खड़ा हो गया तो पांच हो गए। अभी दिन ने वाला चार गिना, एक आदमी बैठ गया, बैठने के टाइम में दो बैठ गए, तीन खड़े रह गए। तब पास्टर जी बोल रहे, कोई बात नहीं, अगर आपको खड़ा रहने को शर्म आता है तो कोई बात नहीं, यहां पर एक आदमी ऐसा है जो आज 1,00,000 रुपए देने वाला है चेक बना के, वो अभी आएगा स्टेज में, लेकिन आया नहीं। बाद में पास्टर बोलते, ठीक है, आप अगर सबके सामने नहीं आना चाहते हो तो आप बाद में मीटिंग के बाद मुझसे मिल सकते हैं। प्रॉफेसी झूठ हो गया। हालेलुया। एक बार पास्टर चर्च में प्रचार करते करते कुछ अनाउंसमेंट हो रही थी, और अचानक बोले स्टैंड अप, तो आदमी खड़ा हो गया, सोया था वो, खड़ा हो गया। जैसे वो खड़ा हो गया, पास्टर ने बोला, थैंक यू ब्रदर, 1,00,000 रुपए डोनेशन आप चर्च को देने के लिए आप खड़े हो गए, धन्यवाद। पास्टर ने यह बोला था, जो जो 1,00,000 रुपए देने वाले वो खड़े हो जाओ, तो इसने खड़े हो जाओ सुन के खड़ा हो गया। सब लोग बोले थैंक यू ब्रदर, 1,00,000 रुपए दे रहे। चर्च में सोना बहुत भारी पड़ जाता है, कब खड़े हो जाएंगे, कब दंड लग जाएंगे, पता नहीं चलेगा। प्रभु की आत्मा लोगों के मनों में कार्य करना चाहिए, ये लोगों के देखरेख में और अपने सोच और समझ में नहीं, परमेश्वर स्वयं उतर कर वहां काम करना है। अब ये जो घटना है, इसको देखकर एक चीज का हमें अनुमान होता है, वो ये है, ये सरासर परमेश्वर की ताड़ना है। अगर ये नेचुरल होता तो शेर उसको फाड़ के खा जाता या गधे को खा जाता, लेकिन शेर दोनों को मारकर उधर ही खड़ा था, सब लोग देख रहे हैं, वो उनको कुछ नहीं कर रहा है, वो चला जा रहा है। शेर को खाली इतना हुक्म था, खाली तू जान से मार उसको और कुछ मत कर, गधे को हाथ नहीं लगाना, बेचारा उसने कुछ नहीं किया, खाली वो नबी को मारना। एक ऐसा खुदावन ने एक लक्षण दिया कि ये जो दंड है ये मैं दे रहा हूं, क्योंकि उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। हालेलुया। एंड दैट प्रॉफिट ही लाइड और ही मिसगाइडेड हिम टू डिसओबे द लॉर्ड्स विल। उसका वजह यह हो सकता है कि वो सोचा होगा कि इतना साल से मैं ये राजा के पास में हूं, और ये कल आया प्रॉफिट और फटाफट काम करके चला गया, राजा को सुधार दिया इसने, फिर मैं इतना साल रहा तो कल मेरे साथ सवाल पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसीलिए इसने सोचा कि इसको मैं ठिकाने लगाता हूं। समझ में आ रही है बात आपकी? प्रेज द लॉर्ड। नाउ इसमें से आज शाम हम लोग अपने लिए कुछ सीखेंगे, लेसन फॉर द यंगर वन, बिकॉज ऑफ गॉड स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ हिज मिशन द प्रॉफिट ऑफ जुडा refused the invitation, but when the older prophet insisted, the younger prophet was finally persuaded to turn back with him. The older prophet claimed that the Lord himself had directed him to bring the younger prophet, but the scripture carefully points out that the older prophet was lying. ये नए generation के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नई पीढ़ी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जब भी कोई पुरानी पीढ़ी या आपसे बुजुर्ग आपको guidance देते हैं किसी विषय के लिए, ध्यान करना कि जो प्रभु आपसे बात किया वही बात प्रभु उस बुजुर्ग के द्वारा करेगा, तब आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि यह बात प्रभु की ओर से है। यह सभी जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो यहां बैठे हुए, एल्डर्स लोगों के लिए, जवान बहन बुजुर्ग बहनों के लिए, बुजुर्ग भाइयों के लिए, कभी भी जवानों के ऊपर जब सलाह मशवरा करोगे तो वही करना जो प्रभु की मर्जी हो, अपनी मर्जी को मत चलाना। प्रेज द लॉर्ड। जो बुजुर्ग है प्रभु के अंदर, जो एल्डर है प्रभु के अंदर, जो एल्डर बहन है, वो आने वाली जो जवान पीढ़ी है उसके लिए तुम्हें एक आदर्श बन के खड़ा रहना है। और जैसा ये नबी के अंदर मन में जलन आया, ऐसा जरा भी जलन अपने अंदर नहीं रखना है। एक नई पीढ़ी को आपको बिल्कुल साफ मन से उसको गाइड करना है। प्रेज द लॉर्ड। मान लो अगर आज हमारे बीच में से कोई एक नया बंदा उठ रहा है, बहुत पावरफुल मैसेज प्रीच कर रहा है, तो मैं जो मैसेज प्रीच करने वाला उसके ऊपर बिल्कुल जलन नहीं रखना है, और प्रभु ने अगर अगुवाई चाहा तो उसको मैंने जगह देना है।
प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। मान लो आपके अंदर कोई गिफ्ट ऑपरेट कर रहा है और प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, तो आगे आइए। उसमें पुराने लोगों ने कभी भी उसके ऊपर जरा सा भी जलन नहीं रखना है, जैसे ये पुराना नबी ने किया। ये जलन ने एक नया उभरने वाला खुदा का बंदा, जिसके साथ खुदा डायरेक्ट बात करता था, जिसके बोलने पर राजा का हाथ सूख जाता था, ऐसा नबी भी बहक गया और मौत के खाई उतरना पड़ा केवल एक बुजुर्ग नबी के जलन रखने के वजह से। आपको मालूम है अंतिम समय में झूठे नबी उठ खड़े होंगे जो आपको गलत दिशा बताकर लेके जाएंगे। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैंने कितने ही मर्तबा इस बात को कहा, द ओल्ड गॉड नाउ 1 Kings 11:37, एंड इट विल टेक दी एंड थाउ शैल रीज अकॉर्डिंग टू थाई होल सोल डिजायरेथ एंड शैल बी किंग ओवर इज़राइल। इट शैल बी थाउ विल्ट हियरकन अनटू दी। प्रभु ने उस राजा जेरोबाम को कहा था, अगर तुम मेरे वचन पर चलेगा, तुम मेरे वचन से दाएं बाएं नहीं मुड़ेगा, तुम मेरे वचन पर ध्यान देगा, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। एक घर का नौकर को प्रभु उठाकर राजा बनाया, एक घर में काम करने वाले को बोला, मैं तेरे को राजा बनाऊंगा, सारा राष्ट्र तुझे दे दूंगा, खाली तू मेरा वचन का पालन कर। आज प्रभु का वायदा आकर मेरे साथ है, खाली हमने वचन को पकड़ के चलना है। इट्स वर्ड, हालेलुया। और कोई चीज आपके लिए प्राधान्य ना हो, परंतु परमेश्वर का वचन हो। रोमियो की किताब 15 अध्याय उसको 4 वचन कहता है, जो कुछ बातें लिखी गई है वो आपके और हमारे शिक्षण के लिए लिखी गई है। और आज आप और हमने सीखना है। क्या आप सीखते हैं कुछ संडे को? हर मैसेज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हो ना हो। पूरा मैसेज 1 घंटे का आपके लिए ना हो, लेकिन इसमें से एक बात आपके लिए हो सका, आपने उसको अपना ग्रहण करना है। ये आखिरी दिनों का संदेश है और इन दिनों में भरमाट की आत्मा चल रही है। एक तो मैं आपको दावा करता हूं कि एक बार ये मैसेज को जो सुनता है वो और कहीं जाकर नहीं सुन सकता मैसेज को। मतलब जिसने अंतिम समय का संदेश को सुना वो किसी भी बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो वहीं जाएगा जहां वचन मिलता है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? पुनः औरंगाबाद से एक ब्रदर इस समय में, कल के दिन वो उधर आया था बॉम्बे में विक्रोली में रहने के लिए, पिछले 6 महीने से चल ढूंढ रहा है वो, और उसको पुनः का कोई एक ब्रदर ने उसको नंबर दिया, ब्रदर सुशील को आप कांटेक्ट करो, अगर आपको बॉम्बे में चर्च में जाना है तो आप सिर्फ पास्टर शिखर के यहाँ जाइए। उसने सुशील को कांटेक्ट किया, सुशील ब्रदर मेरे को बोला, मैं बोला जाओ मिल के बात करो कौन है देखो, और भाई उसके पास कल गए रात को, मिले बातचीत करे और बोले विक्रोली और अंबरनाथ काफी दूर है, आधा 1.5 घंटा ट्रेन का सफर है 5 दिन का विक्रोली से। बोले विक्रोली से आप अंबर, आप विक्रोली में कोई पास में चर्च है आप वहां जा सकते हैं, हमको पूछो। वो आने ने मेरे को अंबरनाथ ही जाने को बोला। पुणे में कोई ब्रदर लाजरस करके बोले अंबरनाथ ही जाओ, तो मुझे अंबरनाथ ही कल आना है। मैं वो बोला आइए, मैं बोला मोस्ट वेलकम। वो आया बंदा, आज वचन सुना, उसके बाद में मैंने उसको बोला आप विक्रोली से इतना दूर हर संडे नहीं आ सकते, आपको मैं कुरला के आसपास में कोई एंड टाइम मैसेज के चर्च को बताता हूँ, वहां फेलोशिप करें। नहीं बोला, मैं इधर ही आऊंगा, क्योंकि ये वचन जो आज सुबह मैंने सुना ये कभी मैंने सुना नहीं मेरी जिंदगी में। हालेलुया। जो एक ब्रदर आया बोले पास्टर जी मैं उसको लेके आया था चर्च में, बोले इतना अच्छा, पर बाद में आया ही नहीं वो। मैं बोला कौवा होगा वो, क्योंकि ये खाना किसका है? उकाब का खाना है, इसको उकाब भी पचा सकता है। कौवा आएगा थोड़ा आपका अंदर देखेगा निकल जाएगा। उकाब जो है वो ये भोजन को तरसता है, क्योंकि उकाब जो है वो ताजा गोश्त खाने वाला है, उसको मरा हुआ चूहा पसंद ही नहीं और वो उसके नजदीक भी नहीं जाएगा। इसके लिए खुदावन ने इस अंतिम समय में एक ऐसे अभिषेक को भेजा है आपके और मेरे समय में, कि अंतिम दिनों के अंदर एक छोटी अभिषेक उत्तर कराएगी, बिल्कुल असल के बराबर रहेगी। लेकिन फरमाए मत जाना, आपके पास खुदा ने सही संदेश को भेजा हुआ है और सही संदेश पर आप विश्वास करो। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? खुदावन आपको बहुत आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे। अगले हफ्ते हम लोग बालाक और बालाम के जीवन को देखेंगे कि कैसे झूठी अभिषेक उन पे उतर के आई और वे लोग कैसे फरमाने वाले बन के चले गए। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रार्थना के अंदर जाते हैं।